वालेकुम। वालेकुम सलाम मियाँ, खैरियत है? दुआ है जी मालिक की। मियाँ क्या बात है, आज तो आंखों से बड़ी शरारत टपक रही है। हाँ नहीं मुल्ला जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है जैसी आप समझ रहे हो। तो बड़े सही अंदाज में हो, किसी से मिल के आ रहे हो क्या? हाँ मुल्ला जी, आप भी बस। हाजी साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मियाँ, वालेकुम। आज तो मियाँ बड़े खुश नजर आ रहे हो। वही तो मैं कह रहा हूँ मियाँ, ऐसी बात क्या है? हाँ बात ही कुछ ऐसी है मुल्ला जी, आज मैं अपनी बेगम साहिबा को लेने उसके घर जा रहा हूँ। ओ तो मियाँ, आज तो मोहतरमा का दीदार होने जा रहा है। अरे तो मियाँ ये क्यों नहीं कहते कि तुम ससुराल जा रहे हो? तो मियाँ ये तो बताओ कब तक आओगे? मियाँ अभी तो मैं गया भी नहीं हूँ। मियाँ जल्दी से आ जाना, कभी वहाँ पर सालियों में गुलछर्रे उड़ाते रहो। मियाँ साल है? मियाँ क्या बात, साली है ही नहीं क्या? फिर वहाँ पर खुरपी चटवाने जा रहे हो क्या? मेरी जायज तमन्नाओं को अल्लाह आबाद करे। अरे भैया काजी साहब, जरा बाहर को तो आना। अरे मियाँ जरा हमारे मकान का ख्याल रखना। अरे क्यों नहीं मियाँ, पड़ोसी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है। अरे मियाँ आओगे कब तक, जरा ये तो बता के जाना मुल्ला जी। अच्छा काजी साहब मैं चलता हूँ। मियाँ निरंजन भोले भंडारी तेरा उद्धार करेगे बच्चा। कौन है? दरवाजा बहुत देर तक पीट रहा, सो तू मचा रखा। चल हो गया तो चल। भोले भंडारी तेरा, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, भाग जा। चल निकल यहाँ से, फूट जा। कंजूस है तो भिखारी को भीख भी नहीं दे सकते। चोरी करना होशियारी, चोरी करना सच की फिगर, चोरी करने का इरादा है? पहले बैठ कर विचार कर लो फिर चोरी करना। आज ठग अपनी पत्नी को लेकर आया है, सुना है कि वो माल भी काफी लाई है। यही ठीक रहेगा, चलो चलते हैं। हाँ चोर हैं, लगता है चोरी करने आए होंगे। इन्हें क्या पता मेरे घर में चोरी करना कितनी टेढ़ी खीर है बच्चू। अरे सो रही है जागरी? क्या बात है, नींद नहीं आ रही क्या? मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे हो बताओ। मैं ये सोच रहा हूँ कि हम अपने पहले बच्चे का नाम क्या रखें।
अब रात के 12:30 बजे और तुम ये बताओ, तुम ये सोच रहे कि पहले बच्चे का नाम क्या रखे? हाँ। बहुत बढ़िया सोच रहे, सूत ना बुनाए जुलाहे तो लट्ठम लट्ठा। तो रहे सोचने में कुछ जा रहा जा। हाँ मेरी पहली रात है, ऊपर वाले तीर्थ से कुछ हुआ भी तो सोचने के लिए भी 9-10 महीने पड़े। बस सो जाओ। वो तो ठीक है, लेकिन सोचो। सोचो? ऐसा करो तुम ही सोचो, मुझे सोने दो। क्या क्या कहा तुमने? क्यों, मुल्ला नाम अच्छा नहीं है क्या? बहुत बढ़िया नाम है। अब ऐसा करो चुपचाप सो जाओ। जब ये सो जाएगी ना तो तड़के लगी उठे बैठे होगी। और एक बात तो बता, अब क्या है, अब उसकी शादी के बारे में सोच रहे क्या? नहीं, मैं शादी की नहीं, अपने दूसरे बेटे के नाम के बारे में सोच रहा। हाँ क्यों, कुछ गलत सोचा मैंने? बहुत बढ़िया सोचा तुमने। अब एक काम कर, जो सोचना चुपचाप होकर सो जा, मुझे सो जान दे। क्यों, तू सोच भी नहीं सकती? नहीं, मुझे नींद आ रही। हाँ मैंने तो उसका नाम काजी सोचा। बहुत बढ़िया सोचा। क्या तुझे काजी नाम पसंद आया? हाँ बहुत पसंद आया। भगवान मुझे सो जान दे। वैसे एक बात तो बताओ, तुम रोज ही सोच रहे हो या आज ही सोच रहे? बस आखिरी बार अपने तीसरे बेटे का नाम सोच रहा। ये भगवान या क्या मुसीबत है? भगवान बस आखिरी बार सोच रहा, हम तीसरे बेटे का नाम चोर धरेंगे। हे भगवान, ना महारात्मा कहाँ से पल्ले पड़ गई? पूरी रात होगी भाई, सारी रात ऐसे ही वीरान होगी। चलो चलने का फायदा। देख मैं अपने तीनों बेटों को आग मारूंगा और फिर देख क्या ड्रामा होगा। अरे तो पागल है, हम तो पागल है घर में बड़े। बेहतर है अंकल मुझे सो जान दे। पहले खेल दे खेल। मुल्ला काजी चोर, काजी चोर, मुल्ला काजी चोर, मुल्ला काजी चोर। कालिदास चुप हो जा, चुप हो जा कालिदास, चुप हो जा। और चोरी करने आए थे जी। मैं तो किस बात का नहीं, मारी चोरी नहीं लगी। तो मैं फिर कहा तू कहता हम चोरी करने क्यों आए थे? मैं तो किस बात का, तुम रो क्यों रहे? अब तो किस बात का, मुल्ला काजी रात ही तो पैदा हुआ और हमें पीट दिया। इन्हें तीन लोगों पुलिस को सौंप दो। नहीं बाप, तो पुलिस को क्या, अब तो ना छोड़ दो तीनों को। पर अपना जो है आज के बाद फिर ना करियो भाई, ध्यान रखियो इस बात का। देखा मेरे तीनों बेटों का जादू। मैं तो यार बहुत पागल सोचती थी, हम तो बहुत चालू रहे। चोरी होगी, हम तो रिपोर्ट करो जी करवाने जी। साहब के साथ पास जवाब है घर जाए। सिपंटर साहब घर में चोरी हो गई, आपकी कृपा कर। क्या कर
कैसे बन गया? अजी सारा सामान चोरी चला गया आपकी कृपा तो, अजी मेरी मोटरसाइकिल भी चली गई। अजी मोटरसाइकिल तो यार ये तो मारी मोटरसाइकिल बिल्कुल अच्छी लग रही है आपकी कृपा से। तेरी हिम्मत अंदर कर दिया ने पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। तुम्हारा क्या काम है? साफ कपड़े भी चले गए। और जी मुझे तो एक चोर थारी जैसा ही लग रहा था, तो अजी थारी जैसा ही भागा था जितने खा के जी। अरे इंस्पेक्टर गाड़ी से भी अंदर नहीं करना पड़ेगा। क्या परेशानी है? डॉक्टर साहब मेरा मुंह तो लिकट गया आपके मुंह में। बदतरी गई है जाने भी इंदा भाई बेहतरी ले जा जी। सर जी परेशान कर दिए लोगों ने तो। आगा मजा जी पीटने में। जय होगी है लाली तेरी। आजा आजा तेरी तलाश थी यार मुझे तो बहुत दिन तो। क्यों है तोबा कर रहा? सेठ जी भुक्का हूँ। भुक्का तो मेरे को कुछ ठेका तेरा भला ही सीमा यहाँ से चला जा। सेठ जी दो रोटी दे दो। जा ये चकाऊ तुझे अभी। शंकर भगवान तेरा भला करेगा सेठ जी। अच्छा बता शंकर भगवान ने तेरा भला करे आगे कुछ? फिर तू किसके नाम पर मांग रहा भाई? सेठ जी जो बना है शिव जी महाराज के नाम पर मांग रहा। शिव जी महाराज के नाम पर मांग रहा तो कैलाश पर्वत पर क्यों बजा भाई? तुम मुझे आज बताया कि जरूर जाइए अब तुम रोज रोज मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? वो कौन बना है जिसके नाम पर तू मांग रहा? आज मुझे बता के जाइए तुम। भगवान आज तो मूर्खो है पाड़ा पड़ गया कैसे जान बचे? कैलाश पर्वत ही बड़ा है जी। जब कैलाश पर्वत इतना बड़ा तो उस हनुमान जी कैसे लेकर उठ गया भाई? हनुमान ही बड़ा है जी। जब हनुमान ही बड़ा ना तो राम के चरणों में क्यों बड़ा? चौधरी साहब राम ही बड़ा मेरा पीछा छोड़ दो तुम। जब राम ही बड़ा तो वो बनो में क्यों बड़ा? तेरा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ू तू इस बात का ध्यान कर ले। तो मेरे बाप में बता दो कौन बड़ा? आंख खोल कर देख तेरे सामने खड़ा ला तो यार वो मुझे आदमी
उस दिन तो उस भिखारी को भगाया था, आज इसका सामान भी खोज लिया। कोई बात नहीं, देखूंगा। आज के बाद मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा। तो चल चल कूट ले। चल भाई, पांच और दिन का लगन तो मिल गया, पर ये आगे भाई मन तो रोज मिलता है, तो मैं कह क्या। नारायण खुश रहो बच्चा, आओ बैठ कर बात करते हैं। इधर क्या बात है, कहाँ से आए भाई? मैं तो जी सोरम था आज। अच्छा, हाँ जी, आ जा बैठ जा। तो चल अच्छा बैठ गया जी। ए मालिक रे। हाँ भाई, अब बता क्या बात है, तू तो बहुत परेशान लग रहा। हाँ जी महाराज जी, मैं बहुत परेशान हूँ जी। क्या बात है भाई? महाराज जी, मैंने सब कुछ कर लिया जी, बिजनेस भी कर लिया जी, नौकरी भी कर ली जी, मजदूरी भी कर ली जी, मुझे नुकसान ही नुकसान है जी, मैं बहुत परेशान आ गया जी। बेटे मानो तो पत्थर भी भगवान है, और ना मानो तो भगवान भी कहीं नहीं है। बेटे सबसे पहले तुम्हें अपनी नेक कुमाई से कुछ परमारथ करना होगा। महाराज जी, मैंने सब कुछ कर लिया जी, मैंने दान भी बहुत कर लिया जी, मंदिर में पूजा भी कर ली जी, मस्जिदों में सजदा भी कर लिया जी, पर कुछ मसला हल नहीं हुआ जी। बेटे हम देख रहे हैं तुम्हारे भाग्य के सितारे बहुत जल्दी चमकने वाले हैं। बस बेटे तुम्हें अपने आप को पहचानना है, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम सब कुछ कर ले। बाबा जब पैसा पास नहीं होता तो बुद्धि भी काम नहीं करती, किस्मत भी साथ नहीं देती। किस्मत तेरा साथ देगी, तेरी बुद्धि भी काम करेगी बेटे। तो अब तक अपनी सोच से चला है बेटे, अब जो रास्ता मैं तुझे बताता हूँ तुझे उस पर चलना है। बाबा जी मुझे वो रास्ता बता दो जी। बाबा जी बस बच्चा एक बात का ध्यान रखना, भूखे को रोटी और नंगे को कपड़ा देना, द्वार पर आए हर व्यक्ति का सम्मान करना, तुझ पर ईश्वर कृपा जरूर करेंगे बेटे। जरूर करूँगा महाराज जी, जरूर, आपकी बात याद रखूँगा। अब जो मैं कहता हूँ ना तू उसे ध्यान से सुन। भाई मेरे घोड़े ले जाते या खड़ी, और जैसे मैंने कहा ना वैसे ही करिए, और कभी कोई भीड़ पड़े ना तेरा जी ये यही सी बैठा हुआ, चिंता ना मानिए। अच्छा जी, बस अब तू मौज ले, घोड़ी ले जा भैया। अच्छा जी, हाँ बस चल मैं दे रहा। भगवान खाना तो ले आ। यो क्या है? यो खा, यो बुढ़ा, यो चारा, ये रोटी। अरे नाश्ते में तीन तीन सब्जी, भगवान ही मालिक हो। अगर इसी तरह चलता रहा ना तो छह महीने में तो मैं भी उजड़ जाऊंगा बिल्कुल। सब्जी क्या नाश का डबली तो और क्या है। यो ले, यो गुड़ भी ले जा, इसमें चार दिन की चाय बनेगी मेहमानों की। यो धर दिया लाग मेरे सामने। हेलो क्या ले, यो अचार की अब विभाग मैं हन्नो के काम आओगी, सभी ले जा चल। क्या बात है, खिवाड़ की तोड़ रहा है फिर के? भाई मैं बड़ी दूर से आया भाई, मुझे एक रात टिका लो अपने घर में। जानना पहचान, और मैं तेरा मेहमान,
भला मैं तुझे जानता नहीं, मैं तुझे रात को किस तरह टिका लू अपने घर में भाई। मेरा नाम मुफतलाल है, मैं पास के गांव का रहने वाला हूँ, मुसाफिर हूँ, बस एक रात की तो बात है। धंधे का टाइम है, धंधे की बात कर, समझा? सेठ जी, जो इंसान किसी की मुसीबत में काम आवे ना, उसे भगवान कहे। देख, राम नाम तो पेट नहीं भरता, पेट भरा रोटी था और रोटी है वो पैसों से, और जो तेरे पास पैसे हो तो दे और नहीं तो फूट ले। हाँ, मेरे पास पैसा तो है। अच्छा, ठहरने का बता क्या देगा? मैं तो 100 रुपए दे सकू जी, 100 तो ज्यादा नहीं। 100 रुपए में तो किला तू ठहर सको, तेरी घोड़ी नहीं ठहर सकती। क्या है? बता है? मेरी साथ में मेरी घोड़ी जरूर जाएगी जी, सोच लो। अच्छा अच्छा ठहर ठहर भाई, जब तू इतनी जिद कर रहा ला, बस तू 100 का नोट ही दे दे ला, तेरी घोड़ी भी रह जाएगी तेरी साथ। लो जी 100 रुपए ला भाई। भाई वाह, भाई वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। वो चाह मुझे तो भाई, भाई अपनी घोड़ी तो सुन रहा? सुना क्या सुना? वो सिवा खर्चे के आज लो तन्न कुछ सुनाया क्या? और कुछ कितने को नहीं जो सा तुम मेरे घर में जो मुसाफिर ठहरा ना, उसके पास जो घोड़ी है ना। हाँ जानू, वह घोड़ी मैं गदी नहीं बता रहा, वैसी घोड़ी नहीं लग गए और वो आसमान मोड़न लगी। पेट में सर 10 सिक्के चंद दिखे। हाँ मैं ना बने खुद दिखे, चाहो तो चल तो देखियो। अच्छा अब चलो तुम, सब मेरे साथ चलो। आओ भाई। राम राम। राम राम भाई। राम राम। राम राम जी भाई। जी वाह, बैठो भाई। अच्छा भाई, तुमने मुझे अपने घर में रात रात का आश्रय दिया, सारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलूं? नहीं नहीं, मारे कहने तो आज रात और रुक जा बस। हाँ भाई, हाँ भाई, आज बस आज और मेरे कहे। ठीक है ठीक है, जब तुम सब कह रहे हो तो मैं तुम्हारा मिल लेंगे, लेकिन मेरे पास 100 रुपए नहीं है, सोच लो। इसमें सोचने वाली क्या बात है, जब लो जी मावो जब लो रह ले। ऊपर वाले की तरफ से पूरी मौज है आपकी कृपा तक। हमारे खानदान में तो अतिथि को भगवान मान के पूज जा जितने खा के। हाँ हाँ, वो तो मैंने देख ही लिया। मृत्यु पे खतरन का जल हो आपके मुंह में, तो तुम यहाँ क्यों खड़ी जाकर रोटी बनाओ, चलो जाओ रोटी बनाओ।
तुम आराम करो। मेरा तीर सही निशाने पे लगा है बच्चू। अजीब ही ना भाई वाह सिक्ख्या है कमाल हो गए भाई ये तो सच्ची बात है। तो लखपति होने का नाम है भाई वो अब लगा लो झाड़ू राम राम भाई राम राम आ जाओ इनका बैठ जाओ भाई बैठ जाओ। अच्छा भाई मैं चलूं मुझे दूर जाना भाई कहते हो देख अच्छा तो देख लगने का पर यार तेरी घोड़ी हमें पसंद आ गई। नहीं भाई मैं घोड़ी को नहीं बेचने का भाई ये घोड़ी तो मेरी खातिर भगवान का रूप है। हम इसकी कीमत तो दे नहीं सकते हम तो इसका निशानी के तौर पर अपने पास रखना चाहा और कुछ नहीं जिस तो हम कमा हमेशा हमेशा याद करते रहे। अरे तुम तो रोज याद करके रोते रहोगे भाई इनकार न करे नहीं तो हमारा दिल टूट गया। नहीं नहीं मैं इस घोड़ी को नहीं किसी कीमत पे देने का वो तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है इसे नहीं देने का भाई मैं ये घोड़ी तो मेरी खातर भगवान का रूप है इसे कैसे बेच दूँ मैं। अच्छा यही तो हम सोच रहे थे मगर भगवान के कुछ दिन थे वो हम भी कर लेते जितने खा के क्यों भाई हो यह घोड़ी तो हम दे ही दो। हाँ हाँ जी हाँ चलो जब तुम जीत कर रहे ये घोड़ी में तुम्हें ही दे दो। बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया भाई आप मान है आपके मुंह में लेकिन 10,000 से एक पैसा भी कम नहीं लेने का। क्या कहा बस सोच लो। हाँ भाई क्या सोचा है बताओ ना कुछ जा रहे भाई कम चिंता ना करो रुपये तो 10,000 ही मिलेंगे तुम कम बैठो और हम अभी पैसे लेकर आ रहे तुरंत ही अभी आ रहे वो पैसे ले गए बस चलो भाई आओ जी। ज्यादा खुश होने की कोई बात नहीं बच्चू तुम सब बहुत रहोगे ये ले भाई 10,000 ले पर गिन ले गिनने की क्या जरूरत है भाई तुम्हें थारे पर पूरा विश्वास है मरती भगत गंगा जल हो आपके मुंह में। अच्छा भाई अच्छा बेवकूफ बनाया मंडे में घट दिया बिगत 10,000 रुपए तो गए लेकिन ये तो महीने में पूरे हो जाएंगे 10 रुपए रोज तेरी चांदी के और चांदी के हमारे चौका बेवकूफ अच्छा बेवकूफ बनाया। नारायण बैठो महाराज जी लो मिठाई का डब्बा। क्या बात है बच्चा बड़े खुश नजर आ रहे हो। महाराज जी वो जो तुमने मुझे घोड़ी दी थी जी वो तो मैंने बेच दी जी। अच्छा हाँ जी और बेच भी ऐसे आदमियों को दी जो दुनिया का पागल बना गए थे जी। अच्छा भाई हाँ जी भाई बेच तो तुमने वो दी पर मैं तो रोते फिरेंगे। क्यों जी वह घोड़ी कोई वहां चांदी के सिक्के थोड़ा ही देगी। खैर तू तो चिंता बिल्कुल ना करे जो भी होगा मैं देख लूंगा अपने आप। महाराज जी मैं इसीलिए तो तुम्हारे पास आया जी। अच्छा आप ही कोई रास्ता निकालो। रास्ता तो मैं काढ़ ही लूंगा बस तुनू बता दे मैं आदमी कैसे है। महाराज जी मैं तो बहुत कंजूस है जी। अच्छा आज तक किसी भिखारी को भी भीख नहीं दीजिए उन्होंने। क्या हाँ जी एक दिन तो जी मेरे आग गई भिखारी पैसा मांगा हुआ भी चून भी खोस लिया था उन्होंने।
क्या मैं ऐसे आदमी है जो भिखारी को तो भीख भी छीन ले? हाँ भाई, नहीं तो बता तुमने वो घड़ी उन्हें कितने में दी? वो तो जी मैंने 10,000 में बेची थी जी। अच्छा भाई, अरे फिर तो मैं जरूर आऊंगे, मैं कोई 10,000 रुपए नहीं थोड़ा ही छोड़ देंगे महाराज जी, इसीलिए तो मैं आपके पास आया। कोई बात नहीं बच्चा, तो चिंता ना करे, मैं सब देख लूंगा। अच्छा जी ठीक है भाई, तू चिंता ना करे, मैं सब देख लूंगा। और तू एक काम कर। क्या जी? तू कल आइए मेरे धोरे सी ट्रेन। अच्छा जी ठीक है भाई, ठीक है। और तू आराम से जा। अच्छा जी, अच्छा जी, राम राम। हाँ चल। नींद आ रही है आपके मुंह में भाई, नींद आ रही है आपके मुंह में। नहीं भाई नहीं, सोवे ना भाई, अभी तो गोडी लिद्दी देगी, वो चांदी का सिक्के वाली लिद्दी, अभी रुक जा, अभी ना सोइए भाई। ऐसा भी तो हो सको, अब लक्ष्मी माँ रात को रजू हो मारे पे भाई, और ये चांदी के सिक्के रात को ही दे, हे भगवान ऐसा ही करिए। चांदी के सिक्का ठीक कह रहे। हाँ तो चलो सोलो, चलो भाई आ जाओ भाई, सो जाओ। हाँ तो चलो चल सो जाओ। जय हो गौरी माता की। आ जा बैठ जा तू। चल अच्छा तू बैठ, और मैं भी आया, तुझे एक चीज और दूंगा, ठीक है? ठीक है। ये रहा भाई, इन्हें क्या करूंगी मैं बताऊंगा, बगाड़ी न करे। ये तो मैंने कहा ना ऐसे ही करना, अब अच्छा मौज रहेगी। अच्छा जी हाँ चलो। ले पैसे, इन्हें संभाल के रख दे। मैं पैसे कहाँ से लाए? मैं किसी के चोरी करके थोड़ा ही ला, वो तो लोग अपने हाथों से देवे, भला मैं लेने से इनकार कर दूं? मुझे बताओ तुम लोगों कैसे ठगो। मैं तेरी आंखों के सामने इन खरगोश को 5,000 के बेच दूं तो मानेगी? क्या कहा 5,000? हाँ, और इतना पागल है जो इन्हें 5,000 में खरीद लेगा? पागल कोई नहीं होता, पागल तो अपनी अकल से बढ़ाना पड़े। तुमने इन खरगोशों को 5,000 में बेच दिया ना, तो मैं तुम्हें पक्का ठग समझूंगी। तो ठीक है, जैसा मैं तुझे कहूँ वैसा ही करिए। ठीक है, जैसा मैंने कहा ऐसा ही करिए। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगी। मुझे सुनते हो? क्या बात है? वो भोली है ना। क्या हुआ, कितने सिक्के दिए उसने? सिक्के कहाँ? घोड़ी भाग गई क्या? वाह घोड़ी तो मर गई। तेरा दिमाग तो सही है, तू खुद ही चल बता क्या। वो घोड़ी कहाँ गई भाई? तो फिर नीत मत देखो मेरा पे आग नहीं। दे 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 भाई, भाई इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं भाई। अरे इसमें तो बहुत बड़वाई है मेरा भाई। दौलत राम। हाँ जी। हम होता ऐसा लगो वो हम सारों को ही पागल बना गया। एक बात सुन ले भाई, आज तक हमने भिखारी को भी भीख नहीं दी, और वो 10,000 रुपए खपा सके क्या वो हमारे? भिखारी को भीख तो दी नहीं हमने, तो उसकी और ऊपर तो
वो अभी छीन लिया जो कुछ ले रहा था वो। तुम तीनों भाई सारा काम ऐसे ही करो, नाश कर दिया तुमने। अगर यही नाश करोगे ना, मैं जा रही अपने घर तमीरा हूँ। यहाँ तो चिंता लग रहा, यही रहो तू, कहीं ना जा। तुमने बता था घोड़े की लीज में तो रुपए निकले चंदी के, नाश कर दिया तुमने इस घर का। कमल लगने तो हीरे मैंने अकेले नहीं थोड़ा ही कहा था, तुम दोनों ने अभी तो कहा था। हम क्यों कहें, मैंने कहा था। अरे जाओ, इतना कहा था। ये दोनों तो इतने अकल बंद है, 10,000 की गड्डी अपने हाथों पकड़ा दी, युवा घोड़ी मर गई तो हमारा बेवकूफ बना रहे। अच्छा भाई तुम मेरे साथ चलो, और अभी तक खंगे उसको लाठी चालो चलो। वो तो फिर आ लिए भाई, अब क्या होगा, इन्हें क्या पता मैं भी असली ठग हूँ। क्या दो तीन बार ठग लिए हम भाई, मेरी बात सुन, बात तो उसकी रिमांड में लेने वाले भाई। क्या बात है, आओ छावे बैठ के बात करेंगे जो भी बात है। चलो चलो भाई सुन लो, छावे बैठ कर सुन लो, चलो क्या कह रहे हैं, चलो चल। हाँ जी, अब छा में बैठ गए, अब बोल लो क्या काम था, क्या क्या बात करनी, अब करो। तन्ना मोवा घोड़ी दी थी ना, वो भी मर गई, तू अब मारे पैसे दे दे और नहीं तो अच्छा नहीं होने का। मर गई, मैं तुम्हें जब भी तो कहूँ था तुम उसे ना लो घोड़ी को, तुमने तो मेरा भी नाश कर दिया। भाई मेरी बात सुन ले, यो मगरमच्छ के असुर होने से कुछ नहीं होने का, समझ गया, पैसे तो देने ही पड़ेंगे, हम नहीं मानने। तुमने मेरा नाश तो कर ही दिया, पैसे मांग रहे, पैसे मैं यहाँ तो ले नहीं रहा, चलो घर चलो, घर से दूंगा, वही तो मेरा बुढ़ापे का सहारा था, वही तुमने मार दी, अब मैं क्या करूँ। हम तेरी बात तो मन मरिया के रपे थे, मारे रपे थे, भर रपे लेके छोड़ देंगे, रपे लेंगे साफ बात, हम छोड़ने के नहीं तुझे, ले लो ले लो तो लेने। चल घर भाई, चलो घर चलो, चल चल वही से जाऊंगा। चल भाई चलो, जहाँ ले चलता हो वहाँ ले चलो, हम तो चलने को तैयार बैठते हैं। अरे बनवाता है क्या, खीर हलवा पूरी और आलू की सब्जी बनवा दी, और क्या, चल जल्दी चला गया, भाग जा। हाँ हाँ जुक्कर कहा नहीं बनवा दिया, सब खाना बनवा दिए। बैठो भाई बैठो, आ जाओ बैठो बैठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई अरे कहाँ जा रही, खाना तैयार है क्या? हाँ खाना तो तैयार है, बस एक बाल्टी पानी पी ले यार। मारा मैं पूरा खरगोश, अरे खरगोश तो ही हो रहा, अरे छुट गए थे हम, ये हो रहा खरगोश तो सही है, पहुँचा गए यहाँ की। अरे खरगोश लेने कह रहे, बात सुन ले मेरी, खरगोश ही में बेचन दो। अरे ले जाने दे, पहले ही ना घाटा पड़ गया, तभी तो खरगोश को भेज दे, मैं खाना बना दूँ, फिर जब तू रोज की रोजिया बरात लाकर बिठा दे, फिर किस तरह करूंगी मैं। अरे ले जाने दे, पर वो चल क्या हो गया, क्यों अब तो मान गई ना, देख ले फ्री के खरगोश भी 5,000 में बेच दिए। और कल जब वो खरगोश मुझे घूमने जाने के लिए, कल फिर आऊंगी, कल कहीं लेने के देना ना पड़ गया। इससे पहले कि तू मुझे पागल करे, मैं किसी और को पागल बनाता हूँ, जल्दी से रोटी बना और मैं इतना घूम के आता हूँ। इतना जो ना यो खाना बनवा लगा और हम आराम तो चला, ठीक रहेगा जी, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। छोड़ दो तो बस, छोड़ दो सर, छोड़ दो, खाना भी तो बताओ क्या बनाएगा। अरे इसमें हलवा पूरी, एक काम करिए, हलवा और पूरी, और पूरी है और भाई और चार तरह की सब्जी बनवा लिए, जो कुछ होगा फिर हम देख लेंगे। इतने हम आवे ना, इतने बनवा के तैयार रखवा लिए, छोड़ दे भाई, छोड़ दे भाई, चला जा भाग जा, चला जा भाई, घर ही जाना।
भाई घर जाके बैठे तो खाना बनवा ले और बता देने को थम कावेंगे। आओ जाओ इतने भाई यो खरगोश है ना यो तो हम अधिक मिल गया बढ़िया काम करते हैं बढ़िया मिल गया सब काम करेगा तो जरूर ना। और चाहे कई आदमियों की रोटी बनवाई हो सबकी रोटी बनी हुई मिले करूंगी मजे आगे एकदम मजे आगे मारे तो बेटो तुम क्या याद करोगे। अच्छा भाई मणिराम जी हाँ जी अब तो घर चलो खाना बन गया होगा जूते खा के। अच्छा तो चलो चलते हैं। चलो भाई हाँ? जो आज उन्होंने खाना नहीं बनाया होगा ना चल भाई तो देखियो आज क्या ड्रामा करेंगे हम भी हलवा हाँ? पूरी आपसे चलो कुछ यार भूख लग रही है जल्दी से रोटी ले आओ पहले बिछा भाई बिछा रोटी देना कुछ बड़ा करके धर के दे यहां पे आगे दिमाग हो तुम्हारा पर लाड़ दी जो भूख लग रही है जल्दी से रोटी ले आ करके डबल के बैठो चलो डबल ले आ करके रोटी ले आ बस खाना खाते भी क्या बैठ रहे हैं कुछ लाकर धर के दे आज बनाने के लिए खबर करवाई थी कुछ मारे पे खाना बना दिया हमारा फिर पागल बना दिया लग तो ऐसा ही रहा भाई हमका छोड़ने बनी उसे आज लो हमने किसी भिखारी को तो भीख दी नहीं और वो मारे तो 15,000 रुपए ठक्कर लेगा। हाँ चलो हाँ चलो लाठी खाना चलो चलो देखेंगे उसे चलो चलो यार चलो बम्बो राखी इन्हें तो कोई बेवकूफ बना लेगा दिखा वो बड़ा सही मोटा सा उसको तो चलेगा हमारा जीना हराम कर रखा और ये दोनों भाई भी उसके पीछे लग जा और चलो खड़ी हो जाओ बस सामान समान उठा कर लो इन्हें तो कोई मूर्ख तो बना ले बस तो यही देख दे अपना सर ना ना देखा ना रखा हूँ मैं कौन था भाई। अच्छा आजा भाई आजा राम राम भाई आजा भाई बात क्या बात करेंगे आती है अब तो बहुत खुश दिखाई दे रहा क्या बात है अभी महाराज जी। अच्छा सुना भाई महाराज जी लो जी ये पैसे हैं जी नन्ने में खरगोश भी बेच दिए जी। अच्छा रे हाँ जी और ये उसमें से ही तुम्हारा हिस्सा है जी अब तो तेरी किस्मत चमक गई ना अब तो मान गया तू और जब खरगोश को जो कुछ तन्ने दिए उन्हें पागल बनाया वो खरगोश उनका काम नहीं करना फिर नहीं आओगे मैं थारे दौरे में तो आया जी तू एक मिनट बैठ और मैं अभी आया ठीक है भाई यो ना देख तू यो जो है ना यो जादू को चिराग है तेरे को काम बढ़िया करेगा यो पूरा सुन हाँ जी मैं बताऊंगा तुझे ठीक है। हाँ जी ठीक है जी बस तो इस काम को करिए अरे ऐसा हाल हो जाएगा और कोई फिर तेरे दोरा आ गई नहीं ठीक है बस तू इसे ले जाते। अच्छा जी महाराज जी हाँ अरे एक काम करिए हाँ जी अगर जरूरत पड़े ना तो बेहिचक आ जाइए तो यहाँ से चिंता न मानी है ठीक है। अच्छा बस और नहीं करिए दुखर मन ने कहा। अच्छा जी ठीक है जल्दी आइए मुझे डर लग रहा कहीं वे तीनों ना आ जाए जैसा मैं कहूँ ऐसा करिए। हम तेरी बात तो मैंने आने के जूता दे देंगे आपके मुंह में।
अरे मुझे लगा दिखा तुमने मेरा खरगोश भी मार दिया। अभी मने करा था तुमने मेरा खरगोश भी मार दिया दिखा रहा। अब की बार रोने से काम नहीं चलेगा। अब की बार हम अपने पैसे लेके जाएंगे। तन्ने हमें झूठ बकाया जूते खा के। क्या कह रहे झूठ बकाया? तन्ने मारे तो कहा था खरगोश घर जाकर खाना बनवा दे। आपकी कृपा तो मैंने थारे सामने ही खरगोश को कहा मेरे घर खाना वही बनाया नहीं। पकड़ा तो मैं तेरी चाल है सबिया। मुझे साफ साफ बताओ ये सब हुआ कैसे? जब हम यहाँ से गए भाई हमने जाते खरगोश को गांव के दौरे जाकर छोड़ दिया। तू कहा खरगोश घर जाकर तू खाना बनवा दे। वो भाग के बाग में पड़ गया। गलती थारी है भाई। है जब तुमने उसे घर ही नहीं दिखाया तो वो घर कुक कर ही जाता। ठीक है तो भाई यो भी ठीक बात कहा है। इस बात को तो मानना पड़ेगा। देख भाई दौलत राम इस बात को तो मानना पड़ेगा। क्यों भाई मनी राम? भाई कुछ भी हो देगा तुम्हारे पैसे हम वापस कर दे। तू बस मेरे पास ये दो चीज थी तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। खैर घर चलो अपने पैसे ले लियो। चल भाई, चल भाई। चलो। मेरे तीन आदमी आ रहे हैं उनके लिए खाना बना दे। मेरे बस की नहीं है खाना बना बना लो। उस आदमी की बात लाकर बिठा दे खुद बना लिए। मेहमान सुन ले रुक के ना दे मैं खाना बना दे। बना लेगी नहीं पहले तो खरगोश को भेज देता। अब उसे भेज दिया चला जाए यहाँ से। अरे सुन तो भगवान सुन तो। अरे मेरी इज्जत ना तार है मेहमान क्या कहेंगे? मेहमान कहेंगे लाख साहब है क्या? थोड़ी इज्जत का भी ध्यान कर ले। ये झंडे गड़ेंगे। अच्छा आज तो खुराक मांग रही थी। खे तू ही समझ रही मुझे बात मानती नहीं बिल्कुल। भाई तुम बैठो मैं खाना लेकर आऊँ। नहीं 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 भाई नहीं दिखे ऐसा है तन्ने तो अपनी घरवाली भी मार दी। हम नहीं खाने के। हम नहीं खाने के भाई। नहीं भाइयों यो कैसा हो सका है? तुम मेरे घर से भूखे चले जाओ भला। तुम बैठो मैं भी आया। भाई मुझे तो इसमें भी इसकी कोई चाल लग गई। हाँ भाई ठीक करा मुझे भी चाल लग रही कुछ। अरे हम सब तो अपने पैसों को रोए रहे उन्नत अपने घरवाली निमटाई थी बिल्कुल। तू तो देखो तम फिर भी वो खाने को कह रहा। तुम क्या सोच चल रहा है भाई? तुम आओ चलो चल के खाना खाओ। देख हमारे पास खाना नहीं खाया जाने का। अम्मा भूख नहीं है। अच्छा तो यो बात है तुम इसकी चिंता ना करो तुम खाना खा के जाइयो सारे पैसे भी दूंगा। भाई बात पैसों की नहीं है मैं तो तुम फेर भी दे देते। तुम आराम से खाना खाइयो इसकी चिंता तो तुम करो ही ना। भाई चिंता किस तरह ना करे है तने जरा सी बात के कारण मार दी बिचारी। ना भाई तू आदमी नहीं है तू तो पक्का कसाई है कोरा कसाई का कसाई। तो बेकार का झगड़ा लेके बैठ गए भाई। इसे जब जी में आ गए जब मार दूं और जब जी में आ गए जब जिंदा कर लूं। हाँ तू हमें पागल समझ रहा है क्या? भला एक बार का कोई फिर दोबारा जिंदा भी आज ना। सब कुछ हो सकता है। मेरे पास अलादीन का जादुई चिराग है जो मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर सके। हो क्या कह रहे हैं मरे हुए आदमी को जिंदा? बकवास मुझे तो यकीन है नहीं आपके मुंह में। अभी यकीन कैसे आएगा जूते खा के? मुझे भी ऐसा मुझे एक महात्मा ने खुश होके दिया था और फिर कहा था बेटा कभी किसी से कुछ मत लेना सदा दूसरों की भलाई करना। तुम मेरी साथ चल पड़ो। चल भाई चल भाई हाँ ले चल रहा भाई तू। हम तो भाई जहाँ ले चलेगा वहीं चलने को तैयार है भाई। देखो भाई हमको के सामने मैं अभी जिंदा करूँगा। अच्छा चल भाई। तुम चिंता कर रहे ना मेरे पास जादू की छड़ी है अभी जिंदी करता हूँ। अभी कर देता हूँ।
अब तो आ गए यकीन सर्दी गिंदी थारे सामने ही। अयो जादू चिराग तो हम दे 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 के देख मैं तेरा पति हूँ जो मैं करूँ मुझे कर लेने दे। देखा मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं तुम खरगोश बेच कर मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं तो देखो मैं इस मुसल को ना बेचन दू साजो चीज को रखना भी नहीं जानते। अब की बार से हम अपनी जान से भी ज्यादा इबादत से रखा है तभी से रखोगे तो जब जब मैं से बेचन दूंगी। मुझे लगा तू फिर खुराक मांग रही थी क्या तो तन्ने से बेच दिया ना मैं एक पल नहीं रहने की। अरे तू कल जाती अब चली जा हम भी देखे हैं तेरे बिना हमारा कौन सा काम रुक जाएगा। तुम संभाल लो अपने घर को मैं तो जा रही हूं अपने घर। देखो भाई मेरी घरवाली रूठ के जा रही इसे संभाल के रखना। नहीं भाई हम जाना इसे अपने जान से भी ज्यादा रखेंगे तू इसकी फिकर ना मानना भाई। तू मुझे एक महात्मा ने मुफ्त दिया था मैं भी थारे पैसे कुछ नहीं देने का सच। चलो चलो भाई चलो घर जाके बहुत रोगे बेटो अब तो बहुत खुश हो रहे हो। हाँ चले गए क्या अगर मैं कल खेल आगे फिर क्या करोगे। कल की बात कल देखे पहले तो जाकर खाना बना ले। अब आजे भी नहीं ये दोनों तो ऐसी बैठी जैसे महाराज नहीं बैठी हो इन्होंने तो अपने बैठी भी नहीं बनाई और वो कहाँ जा रही। ये लो बात तो ऐसे करे जैसे बहुत बड़ी कमाई करके आ रहे और वो तो गोबर पत्थर रही है हम इस घर के मालिक है जो करते हैं ठीक करते हैं तू भी से बोलने का कोई हक नहीं है। हक है हम भी इस घर की मालिक हैं। अच्छा का मतलब चीटी के भी पर निकल गया है। हो जाओ शुरू देखते क्या हो जाओ शुरू जाओ लाओ ठाक है। देखो क्या देखो क्या देखा तो ठाक है भाई मनीराम। हाँ भाई अब तो इनकी तीनों की अकल सही होगी होगी बिल्कुल होगी होगी अब आगे बिल्कुल अकल ठिकाने। अच्छा तो अब ले आओ वो जादू चिराग ठाकर मैं अब ला ठाकर ले आ भाई चल ला ला ले भाई ले चल करो करो शुरू देख अब देख इस जादू चिराग का कमाल भाई। हाँ। अब हो जाए तो खड़ी। हाँ। अब हो जा देख खड़ी हट जा देख हट जा ए आई रला ए आए दो अरे यो ए यो तीन आओ जा देख खड़ी। हाँ? अब आ रहा अब तो हो जा खड़ी अब देख दो देख अरे देखो तो इधर ये तो नहीं खड़ी हो रही भाई ये तो रुक रही। अरे तो मेरे की दिखा मैं एक दफा फेर फिर एक दफा फेर करो हाँ देख एक दफा जा देख चिराग अरे तू चिंती कर ए एक ए ए दो तीन उठ दो। अरे ये तो सच भाई मेरे की भाई मणिराम भाई तो घर चढ़ गया भाई तुम्हारे तो घर चढ़ गया भाई मणिराम भाई ये सरकारी कारण खाली सॉरी कर सब उस ठाकी का रास्ता नहीं कुछ नहीं करवाया तो ना तो फिर एक बार मैं देखूंगा देख लो भाई तू भी कर गया देख लो भाई कर लो भाई कर लो नहीं भाई मरी गई है तो बिल्कुल ही Thank you.
सामने चलने का, समझ गए? दूसरा सबको देखने, चलो लाठी उठा लो, जादू चुराओ, चलो भाई चलो, बस चल चल उठा लो, ले भाई लाठी चल। कुछ इसमें तो हमारे घर का इतना सत्यानाश कर दिया, ले लो से बोले भर लो ठाके से, चलो भर लो बोले से बना रहा अगर भर लो सर आ जा कब्बू में, आ जा कब्बू में तो भरवा बोलना भर भर, इसका भी ज्ञान हो जाएगा। और इसे ऐसी जगह फेंकियो जो फेरियो किसी को दिखाई भी ना दे, फिर जिंदा लिखट ना बिल्कुल भी इस तनाव तो बाहर मिस्टर, ये तो पता ही अरे मर गया रे भूत 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 भूत, भाई मैं कोई भूत नहीं हूँ भाई, मुझे काले में आदमी हूँ भाई। भाई तो कौन है भाई? मैं आदमी हूँ भाई, तो दे मा रुपए 500 ले मा भाई, 500 ही दूंगा भाई, काट दे मुझे भाई। अच्छा भाई काट दो, तो काट दे भाई। दे भी देगा मेरे 500 रुपए? हाँ भाई दे दूंगा भाई। ये हालत तेरी करी किसने भाइयों? मेरे घर वालों ने तो करी। क्यों भाई? भाई मेरी दो शादी तो होगी और तीसरी और करने लग रही है यहाँ घेर के मुझे। अच्छा शादी हो जा भाई। हाँ भाई मेरी भी हो जाएगी भाई। भाई हो तो जाएगी। हाँ भाई इस बोरी में बंधना पड़ेगा नहीं भाई। बोरी में बढ़ता जाऊ मैं, शादी मेरी भी होनी चाहिए। हाँ भाई हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। आ जा तो मुझे यहाँ घेर के गए थे, सर इसे भी ठगूंगा, सब दूंगी किसे भी घेर पाऊंगा उसमें घेर में। चल भाई आ भाई, सोनी से दुआई है भाई। भाई मेरी पसंद है बहुत सोनी, पैसे दूंगा भाई। मुझे तो ऐसा लगे है भैंस उसी की दिखे थी, इन्हें सारियों को लेके चलूंगा। बढ़िया हाथ तो लग गया आज तो मेरे, ले जाऊंगा सारियों को।
कितनी भैंस कहाँ से लाए? अरे तुम ना बुझ जा, मैं कहाँ से ला, तन्ने की भूरी का दूध काट लिया क्या? हाँ दूध तो मैं काट दूंगी। ये तो मुझे मार रहा है। अरे यो बेईमान किस तरह बच गया भाई? ये तो जिंदा, ये तो पता नहीं भाई, ये पता नहीं अब ये बच किस तरह गया। आओ भाई, आओ, आ जाओ, ये तो मर गया था। बठन नहीं आए मैं आ गया। हम क्या बात है भाई, क्यों नाराज हो? सब ठीक तो है। नहीं जानता क्या हुआ भाई? अरे वो तो सब ठीक है भाई, पर ये बताओ ये सब क्या है? तू बच्चा किस तरह जूते खा के? भाई बैठो भाई, मैं सब समझाऊंगा, बैठो, नाराज नहीं होकर भाई इसे निचक कर लो, बैठ जाओ भाई, बैठो, बताऊंगा तुम्हें सब भाई। आपके मुंह में बैठो, बैठो भाई, बैठो। अब तो मैं सारी बताऊंगा भाई। क्या बात है, तुम क्यों परेशान से हो रहे हो? नहीं ये हुआ कैसा? बस यू समझो ये थारी देन है। क्या है मारी देन? हाँ तो करवाई, पर तुमने गलती एक कर दी, तुमने मुझे धोरे पे घेर दिया। जो तुम मुझे और बिस्तर को घेरते ना तो भैंस बहुत सोनी सोनी लगता। क्या क्या अच्छा ऐसी बात है? हाँ भैंस ठीक है भाई, भैंस भित्तर को तो बहुत सोनी सोनी जुटती थी। है? है? अरे यो कमाल हो गया, अरे ये तो कमाल हो गया, तुमने पहले क्यों नहीं बताई थी? अरे क्या वे भैंस हमें भी मिल सको क्या? हाँ मिल तो जाएंगी, पर जिस तरह तुमने मुझे बंद करा था ना बोरी में, नहीं तो हमें बोरी में बंद होना पड़ेगा। क्या क्या कह रहे? और बोरी में क्यों बनाना पड़ेगा भाई? भैंस तो जब ही मिलेगी वे अपने आप खोल लेना अपने मुंह से। ये क्या भाई? अरे बनावे ना मैं, भैंस भी कहीं खोल ले अपने मुंह से। तुमने मुझे बोरी में बंद करा था ना? हाँ पानी के अंदर गिरा था, तुम्हें बचा किस तरह? अरे यही तो सोचने वाली बात है कि तू बचा किस तरह? तुम तो मुझे गिर के चले आए। वहाँ भैंसो ने मुझे खोल के पूछा कि कौन है तू? क्या अच्छा? हाँ मैं बहुत रोया कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं यहाँ मरने खातर आया था। अच्छा उन्होंने कृपया करके मुझे ये कहा कि तुम ये सारी भैंस ले जाओ, और ये कहा कि फिर कभी मरने की कोशिश न करना, और मैं ये भैंस लेके आ गया। मजा आ गया इसका तो नहीं? फिर देख लो, देख लो क्या कह रहा है अब। ये गोले मार रहा, मजा आ गया जिसका जूते खा के। चल भाई हम तैयार हैं, चलने चल भाई, चल भाई, चल भाई हम तैयार हैं, चलो खाओ। देखो भैंस लेके आई हो, चल भाई लेना आई हो, भाई भाई चल भाई, चल चल भाई, चाबी है। ये बोरी लो। अच्छा भाई और बढ़ जाओ भाई अपने आप। अच्छा भाई हाँ भाई, ये अनुमा बोल रहे, ये अनुमा देख भाई, भैया देख मवा भैया है ना, या देख मवा मत मेरी भाई, तो भाई ठीक हो बड़ो भाई, इसमें बढ़ जाओ थोड़े से, बड़ा दूर से को फेंक ये देख भाई, देख भाई देख उंगली लूमो भैंस में, जहाँ जहाँ ज्यादा भैंस मिलेगी वहाँ से भाई वो बीच में। अच्छा हाँ भाई, भाई देख भाई देख उंगली लूमा और भाई दांत लूमा, दो दांत हाँ वहाँ, और भाई तो दो दांत तो दिखा वहाँ मिलूंगा रूंडी हार उंडी। चल भाई, और भाई देखे एक बात और सुन ले, हम तुझे एक बात और बताऊं, ये तो जैसी ले ही, हम तो अपनी बुद्धि ठेढ़ी तभी काम चला लगे। ठीक है,
रंग रूप में चौकी थी नहीं इसमें मुझे अभी भरवा दे बैठो जी थोड़ा जरा हाथ पैर से हिलाइए डिंगे वाला दौलत राम है। हाँ भाई हाँ भाई जी भाई उन्नी लाओगे भैंस उन्नी तो दो दांत बिल्कुल लाओगे भाई कहता था बीच में को फेंक पर भाई तू उन्नी लाओगे रूंडी हाँ रूंडी भाई रूंडी लाओगे बिल्कुल रूंडी लाओगे भाई नवी नवी भाई तू भी ए चीखने का आपकी हाँ और धनी राम भाई कहा गा अरे भाई मैं तो गिर लिया ओला दिया मुझे दबना मुझे तो अब आ रहा अब नहीं कोई खटका रहने का अब इन तीनों की राड़ी काट ली मैंने पीछे धक्का देता उसने नहीं और दिखा भाई साज की कह रही है मुझे दिखा साज की आराम था भाई आराम था भीतर गिरी पर दूर कूदे आगे घोड़ा आगे को आगे गिरी है